नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। राजधानी लखनऊ के आशियाना में पावर हाउस चौराहे के निकट पिनाकल होटल में शाने अवध संस्था द्वारा त्रिदिवसीय मुद्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। पूर्व डीजीपी विजय कुमार एवं संस्था के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर मुद्रा उत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त अभियंता अशोक कुमार, जीबी सिंह, डॉक्टर उज्ज्वल शाह, नितिन श्रीवास्तव, सुदीप खरिया उपस्थित रहे। वहीं एंटीक देसी विदेशी मुद्रा प्रदर्शनी के आयोजक अब्दुल ने सभी अतिथियों को पुष्प गुच्छ व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मौके पर सेवानिवृत्त अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि उन्हें आज इस मंच से न्यू मेस्ट्रिक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है और इस मुद्रा उत्सव में मुंबई, नागपुर, बेंगलोर, दिल्ली समेत कई अन्य प्रांतों से क्वाइन डीलर व क्वाइन कलेक्टरों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मैनेजमेंट तो जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो बताएगी, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि इस तरह की जो इवेंट्स होती हैं उससे जो सिक्के लोगों के घरों में पड़े हुए हैं या फेंक देते हैं या किसी तांबे में गल जाते हैं वो कम से कम लोगों के पास आ जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं, उस पर लिखा जा सकता है और आगे के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। पहले क्या होता था कि लोग किसी ने तांबे का सिक्का पाया कहीं गांव में तो वो तांबे वाले को बेच देते थे, कबाड़ी को बेच देते थे, वो अपना गला के उसका तांबा बना लेते। अब कम से कम ऐसे उत्सव लगने से इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो निश्चित रूप से हर आदमी कहीं ना कहीं से उसको सिक्के मिले होंगे अपने गांव से, घर से, या उसकी पैतृक धरोहर होगी उसको लाके यहाँ पर बेच रहा है। लेकिन बेच तो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन वह सुरक्षित हाथों में है और जो भी लोग उसको ले रहे हैं उसको सुरक्षित रखेंगे और आगे अध्ययन के लिए और ज्ञानवर्धन के लिए ये बहुत अच्छा आयोजन है। मैं इस आयोजन के आयोजकों को साधुवाद देता हूं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना। एग्जीबिशन के अलावा क्या और भी तरीके हैं कि लोगों को जागरूक किया जा सके, उसके बाद तो फिर एकेडमिक तरीका है जिसमें आप सिक्के के बारे में लिखते हैं लेकिन उसको पढ़ना थोड़ा सा लोग इतना सामान्य आदमी जो है उस तरह से लिखा जाए कि उसको जानकारी हो जाए, लेकिन वो क्यों जानकारी करना चाहे, तो ज्यादातर प्रोफेसर का विषय है या विश्वविद्यालयों में लोगों को पढ़ाया जाता था और विश्वविद्यालयों में मतलब उनको अगर अवेयरनेस आपके मीडिया के माध्यम से की जा सकती है कि भाई इस तरह के सिक्के अगर किसी पे हो तो कांटेक्ट करें सोसाइटी को, यही देंगे कि अगर किसी के पास कोई एंटीक्विटी है वो नहीं जानता तो कम से कम उसके बारे में पता कर ले क्या उसका मूल्य है और ऐसी जगह चली जाए जहाँ पे वो सुरक्षित रहेगी। कलेक्टर के पास जाएगी तो निश्चित रूप से सुरक्षित रहेगी, या वो किसी और को देगा तो मतलब सुरक्षित हाथों में रहेगी और ज्ञान के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। जो मैंने डिटेल में बता ही दिया कि भाई जिसके पास पुरानी धरोहर है और उसको समझ नहीं पा रहा है तो कम से कम वो उसके बारे में धरोहर के बारे में ज्ञान प्राप्त कर ले और उसको अपने पास सुरक्षित रखे। अच्छा तो यही है कि अपने यहाँ सुरक्षित रखे, अपने यहाँ नहीं रख पा रहा है तो कम से कम उसको ऐसे हाथों में दे जहाँ पे वो सुरक्षित रहे। उसके लिए कोई उसकी मूल्य नहीं है लेकिन जो उसके कोनोइसर हैं, जो लोग जानने वाले हैं, जानकार हैं, वो लोग उसका दाम भी देंगे और उससे ज्ञान के जो नॉलेज की फील्ड में फायदा। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।